डोकलाम विवाद गर्माता जा रहा है। भारत को हमेशा गीदड़ धमकी से डराने की कोशिश करने वाला चीन को इस बार मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत करारा जवाब दे रहा है। मोदी सरकार चीन को इस बार सबक सिखाने की तैयारी में है। उधर डोकलाम के इलाके में अपनी सेना की संख्या बढ़ाकर चीन भारत को डराने का प्रयास कर रहा है। जवाब में भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती बढ़ाकर चीन को आगाह कर रहा है। हालांकि भारत बिना झुके बातचीत के जरिए डोकलाम विवाद का हल निकालने का प्रयास कर रहा है और हर तरफ से चीन को माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। चीन भूल रहा है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। 2017 का भारत अब शक्तिशाली बन चुका है और अब ये दुनिया के किसी देश को चुनौती देने में सक्षम है। भारत का नेतृत्व फिलहाल पीएम मोदी के हाथों है, जो दोस्ती भी बेहतर निभाना जानते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाना भी। ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल, अर्जुन टैंक, MiG-29 और INS विक्रमादित्य जैसे जंगी जहाज से जल, जमीन और आसमान में भारत की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आज भारत विश्व के किसी देश को चुनौती देने में सक्षम है। डोकलाम को लेकर भारत के साथ जारी तनातनी के बीच चीन ने तिब्बत में दो सैन्य अभ्यासों के बहाने अपने हजारों टन सैन्य साजो सामान तैनात किया है। सैन्य तैनाती में यह इजाफा सिक्किम सीमा के पास नहीं बल्कि पश्चिम में शिनजियांग प्रांत के निकट उत्तरी तिब्बत में किया गया है। बहरहाल भारत इस विवाद को पहले बातचीत के जरिए ही खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन बावजूद अगर कोई हल नहीं निकलता है और युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत अपने इन हथियारों से चीन को धूल चटा सकता है। भारत के अंतर महाद्वीप मिसाइल ब्रह्मोस से चीन पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। ब्रह्मोस की स्पीड 3,675 किमी प्रति घंटा है। ब्रह्मोस को लेकर चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह इसका न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस होना है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी मारक क्षमता मौजूदा 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक की जाएगी। गौरतलब है कि भारत और चीन दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। भारत ने पिछले साल दिसंबर महीने में न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट किया था। अग्नि 5 1000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। 17 मीटर लंबी अग्नि 5 का वजन 50 टन है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैंस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मिसाइल को आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। भारत के पास अर्जुन टैंक है। इस टैंक की तारीफ खुद चीन कर चुका है। समुद्री ताकत की बात करें तो INS विक्रमादित्य भारत का नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत है। 500 किलोमीटर के रेडियस में समुद्र पर नजर रखने MiG-29 के विमानों के जरिए आसमान पर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दबदबा बनाए रखने और समुद्र में एक बार में 45 दिन तक रहने की क्षमता INS विक्रमादित्य में है।